संजय 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 क्या है? हमारे तारणहार जो है डीओपी समीर आर्या भी यहीं पर है, प्लीज समीर प्लीज कमन से। ये संजय संजय जरा ना, अरे इधर आ संजय जरा यार, ये मोबाइल जमा कर भाई, मोबाइल जमा कर यार, पूरा मोबाइल जमा कर, पूरा मोबाइल जमा कर यार, ऊपर करो संजय। विनोद विनोद भानुशाली प्लीज सर। नीरज जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए इस तरफ आ जाइए। नाउ अभी क्या करें आप? सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी बिफोर द मीडिया, इफ यू प्लीज गिव मी इजाजत, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ओ माय गॉड के बाद फिर से 3 वर्ड का टाइटल है ऑल इज वेल, तो ये कुछ थॉट था उस फिल्म के, हम दीवाने थे, लेकिन अगर मैं पूछूं ओ माय गॉड के बाद ये फैमिली का है तो कुछ थॉट होगा जिस वजह से आपने? थॉट यही था कि मतलब पहले मेरा ऐसा है मानना कि मैं कोई भी फिल्म बनाऊँ वो कोई भी माइंडलेस कॉमेडी या उस तरह की फिल्म नहीं होगी, वो मैंने सोचा हुआ है, तो तो ऐसे ही था कि एक सेंसिबल फिल्म बनाए, जैसे ओ माय गॉड में इश्यू था कि भगवान के खिलाफ काफ़ी सारे सवाल थे और नीचे गया। तो अभी सोचा गया है कि कुछ ऐसा ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक फैमिली इश्यूज़ को लेकर बनाए, जिसमें कम्युनिकेशन गैप आजकल जो बहुत रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको कैसे कम किया जाए, तो वही एक एंगल था कि उस चीज़ को कितना अच्छे से कितना लाइटर वे में लोगों को हम ये बताएं कि यार ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है और ये थ्रू जर्नी ये सारी चीज़ें होती हैं और यही फिल्म की कहानी है। शुड वी हैव ईच मेंबर? नमस्ते सब, गुड इवनिंग। ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता हूँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है, सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। ऐसा है कि दो चीज़ बताऊँगा फिल्म में, एक तो कहानी है जो मैं जो मेरे हिसाब से एक बड़े मॉडर्न श्रवण कुमार जी की जो कहानी थी, जो अपने माँ बाप को लेकर 4 धाम की यात्रा कराई थी उन्होंने, वह इस जो एक पिक्चर का जो फ्लेवर है वो एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार जी हैं, वो जो मेरे दाएं पे बैठे हैं, ये सपुत्र हैं मेरे बड़े अजीज सह कलाकार श्री अमिताभ बच्चन साहब के। मैंने अमित जी के साथ 5 पिक्चरें की हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म की थी, और आज उम्मीद करता हूँ कि उनके सपुत्र के साथ मैं भी आपके सामने ऐसी ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म पेश करूँ जैसे हमने आया। थैंक यू सुप्रिया जी, आपके साथ मैंने पहली बार काम किया है, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, आसिन तो हम पहले काम कर चुके हैं हाउसफुल 2 में, तो एक जो हमारी एक परिवार की जो एक रूपरेखा है इस फिल्म में वो आप देखेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा इसके बारे में और एलैबोरेट करूँ तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो अब चाहूँगा कि बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें, सॉरी जूनियर बच्चन साहब आपके सामने कुछ कहें। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए हैं, बहुत बहुत बधाई टी सीरीज और बजाज परिवार को। आज वरुण और चिराग जो दोनों बजाजेज हैं, आज उनका डेब्यू है, दिस इज द फर्स्ट फिल्म दे एवर प्रोड्यूस, सो प्लीज़ उन्हें बधाई दीजिए और शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जब बड़े बात करते हैं तो छोटे चुप रहते हैं, तो अभी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आसिन कुछ बोलें। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको मेरी नमस्कार। आई कैन स्पीक इन मलयालम आल्सो, ओके ग्रेट। नो एज यू ऑल मस्ट हैव सीन द मोशन पोस्टर ऑफ ऑल इज वेल, इट्स बिन अ जर्नी एंड अ ब्यूटिफुल वन आई मस्ट से विद ऑल ऑफ दीज लवली पीपल हियर।
So we, I think we are here at the best part of the journey where we bring our film to you. And I hope that all is well. And it's been great for me working with everybody, Umesh sir, Rishi uncle, Abhishek again, Abhishek sir again, Supriya ma'am. I mean, it's been lovely, the producer. So yes. It's a happy, yes, that's what Abhishek calls me, baby Asin. We hope that you like it, what we have to offer. Namaste. Welcome to everybody here. જો જેટલા લોકો સમજતા એટલું બોલી દઉં પછી રેવા જઈએ દે ડોન્ટ વોન્ટ મી ટુ સ્પીક બીકોઝ ગુજરાતી કિસી કો સમજ મેં નહીં આયેગી તો મેં જો ભી બોલુંગી ઇટ્સ ઓકે મેં પંજાબી ભી બોલ સકતી હું સર એનીવે બહોત મજે આયે યે ફિલ્મ કરને મેં ઓર આઈ એમ શ્યોર કે આપકો દેખને મેં ઉતને હી મજે આયેંગે ઓર और नहीं बोलूंगी मैं लास्ट हूँ अब आप बोलो ओके आई थिंक मीडिया वाले बहुत सवालों के साथ आए हैं शुड वी बिगिन विद एनीवन आलोक आपके साथ ही उद्घाटन कर लें आपके हाथ में माइक भी है चलिए चलिए शुरू हो जाइए उमेश जी मेरा सवाल आपसे है उमेश जी लेडी डज द ऑनर्स हियर ओ माय गॉड जो आपकी फिल्म थी उसमें वो भी हल्की फुल्की कॉमेडी थी लेकिन उसमें एक मैसेज था साथ ही जो गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रहार भी क्या इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखाई देगा प्रहार नहीं होगा पर हल्के फुल्के तरीके से एक अच्छा मैसेज तो हम जरूर देंगे इस फिल्म के द्वारा कि इंसान जो बचपन होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए अगर पेरेंट्स उनके सामने कुछ ड्रामा या कुछ ज़्यादा बहस करें तो उनका असर बच्चों पर क्या पड़ता है झगड़े अगर ज़्यादा हो जाए हाथापाई पे उतर जाती है बात तो कौन से लेवल पे बात जाती है और बच्चा कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके पर हम लोगों ने यही चीज़ को बहुत ही ह्यूमरस वे में ट्रीट किया हुआ है अच्छी बात है पर मैसेज है पर मैसेज हिलेरियस कॉमेडी वे में किया हुआ है हाय अभिषेक आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम मेरा सवाल आपसे है कि कभी बचपन में ऐसा मौका मिला आपको जैसा कि पांच फिल्मों के बारे में मिस्टर कपूर ने बताया कि आप कभी सेट पे गए हों और ऋषि जी को भी काम करते हुए देखा हो पिताजी के साथ जी बिल्कुल तो आप प्लीज़ थोड़ा भी जिक्र करना चाहेंगे किसी दास्तान का जिक्र आज हिंदी और उर्दू ही बोला जा रहा है तो मैंने सोचा जी बचपन से जब भी मैं सेट पर जाता था डैड से मिलने तो नसीब से लेके मुझे याद है कि चिंटू अंकल हमेशा वहाँ दिखाई देते थे मेरे साथ खेलते थे जी मुझे याद है लेकिन सबसे ज्यादा हमारे जितने भी मेरे सबसे ज्यादा यादें ये हैं अजूबा के साथ क्योंकि बाय देन आई वाज स्लाइटली ओल्डर और चिंटू अंकल के साथ मैं बहुत इंटरेक्ट करता था बचपन में डैड के बाद मैं इनका सबसे बड़ा फ़ैन था सो आई यूज़ टू लव बीइंग विद हिम हमेशा मेरी जो बहन थी और मैं जब भी हम सेट पे जाते थे वो हमेशा हमारे साथ खेलते थे एंड आज भी खेलते ही हैं तो हंसते खेलते हमने ये फिल्म बना ली है सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ चिंटू अंकल यस मिस्टर कपूर आप जब कुनूर जा रहे थे तो उसके पहले एक ट्वीट किया था आपने कि एक दिन के लिए मैं सॉन्ग शूट करने आया था और इनके पिताजी के भी साथ काम किया इनके साथ भी काम कर रहा हूँ कुछ गुण देखते हैं आप अभिषेक के भीतर जो बच्चन साहब के हों जो आपको नहीं बच्चन साहब सीनियर उनके तो गुण अलग हैं इनके गुण अलग हैं जरूरी थोड़ी कि वो उन्हें कॉपी करें या उन्हें उनके चिन्ह पर चलें इन्होंने अपनी खुद पोजीशन बनाई हुई अपनी खुद आइडेंटिटी बनाई हुई है अपनी खुद छाप छोड़ी हुई उन्हें और आप देखेंगे इस फिल्म में हमने असल में ये पहली फिल्म है जो हमने साथ में काम किया है जैसे होना चाहिए अब अच्छा लगे बुरा लगे तो सब आप लोगों के हाथ में है बट हमने जो काम किया है वो ऑनेस्टी से काम किया है हाय अभिषेक उर्वी और फ्रॉम पिंकविला हाय उर्वी हाउ वाज योर एग्जाम